बता हुई मेरी दोस्ती को ये क्या हुआ, किसकी लगी नजर आज मेरा हम सफर अपना पराया हो गया। बंधन ये प्यार का किस तरह टूटा ये आंसू पूछे आंखों से दोस्ती की ये दुनिया सदा से ही दुश्मन है मेरा हमदम जान कहां खो गया। क्यों बिछड़ गया क्या खता हुई मेरी दोस्ती को ये क्या हुआ, रास्ते और मंजिल भी तुमने ही तो दिखाई, तुमसे कैसी दूरियां, बादल हवा का झोंका मिलते ही दूर होते कैसी मजबूरियां। ये जीवन मेरा तेरा सपना तेरे बिन कोई नहीं घुट के ही अष्ट बिना तेरे बिन बोलो कैसे जीना। ऊपर वाले कौन सा है पाप मेरा जिसकी सजा मिली मुझे, दोस्त क्यों बिछड़ गया क्या खता हुई मेरी दोस्ती को ये क्या हुआ। जैसा कमीना मेरी औलाद कैसे बन गया? ये क्या जी, इसे क्यों मार रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया? क्या बात है, क्या हुआ? मुझे माफ कीजिए भाई साहब, इस घर में हुए समस्याओं की जड़ यही है, ये लालची औरत और उसका बेटा। अमृता की साड़ी में आग का लगना, बैलगाड़ी की रेस में पहिए का निकलना और उसके इल्जाम पद्मिनी पर थोपना, ये इनकी साजिश थी। सिर्फ इतना ही नहीं, छोटू की मौत का जिम्मेदार अरविंद है कहकर चंद्रू को इस परिवार से अलग करने वाला भी यही कुत्ता है। चल बे, चल के इनके पैरों में पड़कर माफी मांग ले। बिल्कुल नहीं, किसी के भी पेड़ पड़ने की मुझे कोई जरूरत नहीं। चाहो तो उस चंद्रू की तरह इनके तलवे चाट कर तुम यही पड़े रहो और मुफ्त की रोटियां तोड़ो। गुड बाय गौतम। छोड़ दो माँ। सब अच्छी तरह से सुन लो, अमृता की अगर कभी शादी होगी तो मुझसे होगी। से अलग किया था ना तूने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ए अरविंद, छोड़ो छोड़ो अरविंद, छोड़ो अरविंद, चलो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि अरविंद तेरी जान ले ले, भाग जा यहाँ से, भाग। चला जा। नहीं चाहिए, रुक जा।
इस गौतम की बकवास सुन के तुम क्यों रो रही हो? मैं हूं ना चंद्र, चाहे जहां भी हो मैं ले आऊंगा। असल में उसका गुस्सा तुम पर नहीं, मुझ पर है। तुम दुखी मत होना। चंद्र पहले की तरह नहीं रहे, उस वारदात के बाद वो बिल्कुल बदल चुके हैं। बरसों की आपकी दोस्ती को ठुकरा के जाने वाले वो अब मेरे प्यार के लिए लौटेंगे, इसका मुझे कोई भरोसा नहीं भैया। नहीं अमृता, उसे मैं मना लूंगा, तुम दोनों को मिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। चंद्रू, ए चंद्रू, तू मुझे कुछ भी कर, चंद्रू गांव लौटाना मेरे भाई, प्लीज। यार मेरा गुस्सा अमृता पर क्यों उतार रहा है? वो तुझे याद करके रोती रहती है। चलना चंद्रू, गांव चलते हैं, प्लीज। चंद्रू जरा मेरी बात सुनना यार, तेरे बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। चंद्रू, मैंने अमृता को वचन दिया है कि तेरे साथ ही लौटूंगा, चल मेरे साथ, चल चल। छोड़ दो मुझे। चंद्रू, चंद्रू रुक जा, चंद्रू मेरी बात सुनो यार, चंद्रू रुक जा, चंद्रू चंद्रू मेरी बात सुनो यार, प्लीज प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज छोड़ दो। चंद्रू, जोर से पकड़, चंद्रू पकड़, छोड़ मत देना अरविंद, छोड़ मत देना, चंद्रू चंद्रू छोड़ना नहीं। चंद्रू यार मुझसे नहीं हो रहा यार, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ना मत चंद्रू, छोड़ना मत, नहीं हो रहा है। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे, चलो। चंद्रू वापस आ गया? हाँ भैया, मैंने उसे ट्रेन से उतरते हुए अपनी आंखों से देखा है, कृपया उसे अरविंद के घर ले गया है। 5 साल, पूरे 5 साल हो गए हैं, 5 साल बाद वो फिर से मेरे जिंदगी में रुकावट बनकर आ गया है, मैं उसका प्राण लेकर ही रहूंगा।
अरविंद का बेटा कहाँ है?